नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएस मल्लीवाला में। मित्रों, ये 8 HP का पंपिंग सेट का इंजन है जो कि चारा मशीन पर लगा हुआ है। ये देखिए, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर एक प्रॉब्लम बनी हुई है जो कि अभी आपके सामने है। ये देखिए, हमने स्टार्ट किया है और ये स्पीड नहीं पकड़ रहा और धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो रहा है। तो जानिए इस वीडियो में इसका कारण क्या है। बने रहिएगा वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये देखिए, जो इसकी पंप रोड है ये जाम हो गई है। ये किस कारण से जाम हुई है, आगे वीडियो में देखते रहिएगा, बने रहिएगा, ताकि आपको पता लग जाए इसमें कारण क्या है। तो हम इसको अभी खोलकर चेक करते हैं, पंप को खोल लेते हैं। पंप को खोलने के बाद ही इसको हम पता करेंगे कि इसके अंदर क्या ख़राबी आई है, किस कारण ये पंप रोड जाम हो रही है और क्यों हमारा इंजन स्पीड नहीं पकड़ रहा। कभी कभी तो बहुत तेज़ स्पीड हो जाती है इसकी कि ये बंद भी नहीं हो पाता है, और कभी कभी ये स्पीड नहीं पकड़ता और बंद हो जाता है। दो कारण हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो अब जानते हैं। पंप को हम साफ़ कर लेते हैं पहले, काफ़ी गंदगी लगी हुई है। और हम इस फिल्टर को इसलिए खोल रहे हैं ताकि हमारा तेल, जब हम पंप खोलेंगे तो पंप टंकी से नीचे रह जाता है तो हमारा जो डीजल है वो गिरने लगता है। अब हम फिल्टर को खोल लेंगे तो पंप हम टंकी से ऊंचाई पर ले जाकर इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने ये खोल लिया है, इसको लॉक निकाल करके। अब ये देखिए, ये हम इसके अंदर से पंप के निडल को निकाल रहे हैं तो ये निकल नहीं रही है। तो ये काफ़ी टाइट है, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये निडल पंप के अंदर से निकली है। तो ये टाइट होने के कारण ही ये ऐसा हो रहा है। ये देखिए, हमने एक बार और लगाई है तो ये काफ़ी टाइट है, ये घूम भी नहीं रहा। तो ये जहाँ पर भी रुक जाता है ये वहीं रुका रहता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। तो अब इसका पंप होल्डर भी हम इंजन में लगा करके, पंप यूनियन, पंप एडोप्टर भी बोलते हैं इसको, इसको खोल करके हम एलिमेंट निकाल लेंगे, प्लंजर को कंप्लीट निकाल लेंगे बाहर, और तब देखते हैं इसको हम फ्री करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, प्लास से हमने निडल को निकाला है और हम दूसरी साइड को, ये हमने इसकी गाइड को भी निकाल लिया है पंप की। अब हम इसको देखिए प्लास से घुमा रहे हैं, काफ़ी टाइट है ये। अब हम इसको फ्री करने, अब हम इसको फ्री करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर जड़ में इसकी जो निचली वाली साइड है इसमें ये गंदगी आ गई थी, तो इस कारण से ये टाइट हो रहा है, यहाँ से फूल गया है और जंग वगैरह इसमें आ चुका था। तो ये हमने इस तरह से इसको साफ़ किया है, लेकिन अब भी ये पूरी तरह से फ्री नहीं हुआ है, क्योंकि आगे भी हो सकता है कि ये दिक्कत आए। हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद ये नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है हमें ये चेंज भी करना पड़े कंप्लीट, क्योंकि ये अभी इंजन गारंटी में है, क्योंकि जो भी इसमें दिक्कत आएगी वो उसको चेंज कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये हमारा परफेक्ट नहीं हुआ है। अब हमने इसको वापस टेम्परेरी तौर पर हम इसको फिट करके हम वापस भेज रहे हैं, इसके बदले में हम दूसरा मंगवाएंगे। ये कंप्लीट पंप ही हम दूसरा लगाएंगे इसके अंदर, तब देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या आएगी। बने रहिएगा वीडियो पर मित्रों।
ये देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको भेज रहे हैं, ये देखिए ये चेंज करने के लिए भेजा जा रहा है। तो ये देखिए ये वीडियो स्किप करने के बाद हमने कुछ इंतज़ार किया और ये हमारा दूसरा पंप चेंज हो करके आ गया है। और अब हम इसको देखिए इसी तरह से हम फिट कर लेंगे। हम ये पाइप लगा रहे हैं टैंक से ऊपर, हमारी पोजीशन में पंप रहे ताकि हमारा डीजल ना निकल पाए। और इस तरह से हमने ये वापसी पाइप भी और डीजल सप्लाई पाइप दोनों हमने इसमें फिट कर लिए हैं। और अब हम इस तरह से इसको पंप को लगा देंगे। अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आने वाली। तो इस तरह से दोनों पंप के नट टाइट करके हम इसको फिट कर देंगे। इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। फिल्टर को भी अपनी जगह पर लगा देंगे। ये देखिए अब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये परफेक्ट तेल दे रहा है। स्टार्टिंग पोजीशन देखते हैं क्या पोजीशन इसकी आती है। मित्रों हमने ये पाइप को भी फिट कर दिया है, प्रेशर पाइप को फिट कर दिया है। और सारे पाइप हम इस तरह से चेक कर लेंगे, टाइट कर देंगे सभी को। अब ये बिल्कुल परफेक्ट चल रही है पंप रोड। ये देखिए अंदर कर रहे हैं, बाहर को आ रही है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट हो गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर स्पीड में है, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, घटा रहे हैं तो घट रहा है, कंट्रोल भी ऑटोमेटिक कर रहा है। तो मित्रों ये वीडियो यहीं तक, शायद आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।